तुम्ही आज ऐकतात माझ्या लीडर महिला कशा मला साथ देत आहेत. आज त्यांची साथ आहे आणि त्यांच्या साथेमुळेच आपण हे म्हणजे आज काम करू शकलेलो आहोत. आणि आज ज्या पद्धतीने पुढे आपली संघटना जाते, ज्या पद्धतीने मला पुढे मी येते, आज महिला आयोगावर माझी निवड झालेली आहे, आपली मंडळावर माझी निवड झालेली आहे, आपल्या बालविकास आणि महिला विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याबरोबर माझं चांगलं बोलणं झालेलं आहे. तर आपण असेच एकत्रपणे येऊन म्हणजे माझ्या नवीन लीडर महिलांना ही एक म्हणजे हे प्रोत्साहन आहे की आपण जर ठरवलं तर आपण काहीही करू शकतो, आपण जर ठरवलं तर आपण जग जिंकू शकतो. आपलं आयुष्य आहे किती, आपलं आयुष्य जेमतेम 50-60 वर्ष, आपण 60 वर्ष आपण जगलो तर आपल्याला मोठं व्हायलाच 20 वर्ष लागतं. 20 वर्षानंतरच आपल्या आयुष्याची खरी सुरुवात होते. आणि आपण जगतो किती, त्यातले 10 वर्ष आपलं म्हातारपण जातो, अवघे 30 वर्ष आपण जगतो. भारत में तकरीबन 47 लाख घरेलू कामगार हैं, जिनमें से अधिकतर संख्या महिलाओं की है. ये लोगों के घरों में बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करती है, कुछ पार्ट टाइम काम करती है और कुछ पूरे समय तक. इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश में अपने गाँवों को छोड़कर शहर में आते हैं और यहाँ की झुग्गी बस्तियों में रहने लगते हैं. कुछ जहाँ काम करते हैं वहीं अपने मालिकों के घर पर रहने लगते हैं. उनमें से कई लोग तो शहर की स्थानीय भाषा से भी परिचित नहीं होते और न ही ऐसे स्थानीय लोगों को जानते हैं जो उनकी सहायता कर सके. अक्सर घरेलू कामगारों की स्थिति दयनीय होती है. उन्हें लंबी अवधि तक काम करना पड़ता है, उनको कोई अवकाश नहीं मिलता. यदि वे काम पर नहीं जाते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाता है. उन्हें शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है और कई बार विभिन्न प्रकार के यौन शोषण से लेकर मालिक या सहकर्मियों द्वारा बलात्कार जैसे अपराध का भी शिकार होना पड़ता है. तय वेतन के बारे में कहीं कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता और झगड़े की स्थिति में घरेलू कामगारों के लिए अपनी बात साबित करना बहुत मुश्किल होता है. घरेलू काम वालों के लिए कानून में कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं है. हालांकि कई घरेलू कामगारों की यूनियन और संस्थाएं अब कामगारों को एक साथ जुटाने की कोशिश में लगी हैं, ताकि वे सभी एक साथ आएं और बेहतर वेतन तथा बेहतर कार्य परिस्थिति और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर सके. घरेलू कामगारों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के अंतर्गत तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी सुरक्षा प्राप्त है. कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कामगारों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी आवश्यक रूप से दी जाएगी. कोई मालिक किसी नौकर को किसी भी परिस्थिति में इस राशि से कम वेतन नहीं दे सकता. प्रत्येक राज्य में न्यूनतम राशि भिन्न है. राजस्थान में प्रतिदिन 8 घंटे काम करने के लिए 2018 में निर्धारित राशि 6,058 रूपए प्रति माह है. यदि कामगार से 8 घंटों से अधिक काम लिया जाता है तो मालिक को सरकार द्वारा निर्धारित ओवरटाइम की राशि भी देनी होगी. यदि घरेलू कामगार को किसी एजेंसी द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसका कमीशन कामगार के वेतन से नहीं काटा जाएगा. कामगारों को प्रत्येक माह नियमित रूप से नगद वेतन दिया जाना चाहिए. न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना अपराध है, जिसके लिए 6 महीनों का कारावास एवं जुर्माने का दंड दिया जा सकता है. इसके लिए शिकायत श्रम आयुक्त के पास करनी होगी. कामगार को सप्ताह में 1 दिन वेतन के साथ अवकाश लेने का अधिकार प्राप्त है. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घरेलू कामगार के रूप में नहीं रखा जा सकता है. घर में काम करने वाले महिला कामगार को अनुचित प्रकार छूने से यौन उत्पीड़न का केस बनता है और इसके लिए घर के पुरुष पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. इसकी शिकायत पुलिस तथा स्थानीय शिकायत समिति दोनों को की जा सकती है. कृपया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नजदीकी सरकारी श्रम कार्यालय या मार्ग 205 व 200. देखिए, भारत में हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करता है.
इनमें से एक बहुत बड़ा समूह है डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घरेलू कर्मचारियों का, जो कि हमारे घरों में छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना या बगीचे में काम करना जैसे कि माली का काम या साफ सफाई करना। इन लोगों के पास अपने काम से जुड़े इतने फायदे और सुरक्षा मौजूद नहीं होती जितनी कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के पास होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके अधिकारों के बचाव के लिए भी कुछ प्रावधान जरूर होंगे। तो आज की ये वीडियो उसी बारे में है। तो घर में काम करने वाले लोगों को और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही और उन्हें एक सामाजिक फायदा पहुंचाने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 को लाया गया था। ये केंद्रीय अधिनियम है। ये जो 2008 का एक्ट है, ये अनऑर्गेनाइज्ड संगठन के कर्मचारियों के फायदे के लिए और उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं यानी स्कीम बनाने की बात आगे रखता है। अब ये योजनाएं किस किस चीज में मदद करती हैं ये जानते हैं। अगर कोई विकलांग है तो उनके कुछ फायदे, जीवन बीमा, स्वास्थ्य और मेटर्निटी यानी मातृत्व से जुड़े फायदे, बुढ़ापे में सुरक्षा के फायदे या कोई भी ऐसे फायदे जो केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा। इसके बाद एक बहुत जरूरी अधिनियम आया जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013। इसमें ये माना गया है कि यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत किसी भी महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अंतर्गत कार्यस्थल यानी काम करने की जगह पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई है, लेकिन वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो इस अधिनियम में फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक काम करने वालों को शामिल किया गया है एक साथ, यानी घरेलू काम करने वाले भी इसमें बिल्कुल साफ तरह से शामिल होंगे। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल यानी संस्थागत स्तर पर एक इंटरनल कमेटी यानी आंतरिक समिति बननी चाहिए और जिले के स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लोकल कमेटी बननी चाहिए जो कि यौन उत्पीड़न की रोक और निवारण का काम करेगी। और ये जो लोकल कमेटी बनती है, इसका काम जो है उससे बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा फायदा होगा घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों को। इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2010 का बिल प्रारूप किया या उसका ढांचा एक तरह से तैयार किया, जिसमें इस बात को प्रकाशित किया गया कि कैसे नकली घरेलू काम की नकली प्लेसमेंट करने वाली एजेंसी या संस्थानों के द्वारा शोषण होता है एक तरह से घरेलू कर्मचारियों का। इसमें लिखा था कि काम मिलने के एक महीने के अंदर अंदर कर्मचारी का या उसे नियुक्त करने वाले का और साथ ही सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति का डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक लेबर वेलफेयर बोर्ड के पास पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो लोग पार्ट टाइम यानी कुछ समय के लिए ही घरेलू काम करते हैं या प्रवासी यानी माइग्रेंट कर्मचारी होते हैं, उनके पंजीकरण कैसे होंगे और वो किस तरह अनिवार्य हैं। इसमें ये भी बताया है कि किसी भी बच्चे को घरेलू काम करने की नौकरी पर या उसके जैसे किसी और काम करने की नौकरी में जुटाया नहीं जा सकता। इस बिल में एक बहुत बड़े समूह को जो कि घरेलू काम के असंस्थगित क्षेत्र में है, उन्हें संस्थगित क्षेत्र में लाने की कोशिश करी गई, लेकिन बहुत कम तरक्की हुई इसे लागू करने में। इसके बाद हमारे पास है दी डोमेस्टिक वर्कर रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बिल 2017। इसका प्रारूप या इसके ढांचे को नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स द्वारा तैयार किया गया था। अब ये बिल क्या कहता है ये जानते हैं। ये बिल ये अनिवार्य कर देता है कि कर्मचारी और उसके नियोक्ता दोनों का ही पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के पास हो। इस बिल में ये भी अनिवार्य किया जाता है कि जिसके लिए काम कर रहे हैं वो कुछ राशि घरेलू कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा फंड के लिए देगा, जिसकी पहुंच यानी एक्सेस एक आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से होगी। और यहाँ पर सुरक्षा और पंजीकरण कराने के दोनों उद्देश्यों को पूरा कर दिया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तो और, इस बिल में कितना कम से कम पैसा किसी कर्मचारी को मिलना चाहिए, कितने घंटे काम कराया जा सकता है, नौकरी छोड़ने से कितने दिन पहले बताना होगा, क्या नोटिस देने की विधि है, इससे जुड़े क्या अपराध है, क्या हर्जाने हैं, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है। आखिर में बात करते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की।
ये जो कोड है इसे संसद के दोनों सदनों की अनुमति मिली और 28 सितंबर 2020 में इसे राष्ट्रपति की सहमति दी गई। इसको लाया ही इसलिए गया था ताकि सभी क्षेत्रों में चाहे ऑर्गेनाइज्ड कर्मचारी हो या अनऑर्गेनाइज्ड कर्मचारी, सब तक सुरक्षा के कवरेज का विस्तार हो, वर्णन हो। इसमें 9 केंद्रीय अधिनियमों का संशोधन हुआ और उन्हें एक साथ मिला दिया गया इसके अंदर, यानी उनका कंसोलिडेशन कर दिया गया। वो आपकी स्क्रीन पर अभी उनका नाम आ चुका है, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। यहाँ तक कि इनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी, आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग, सबको एक साथ शामिल किया गया है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मातृत्व यानी मेटर्निटी से जुड़े अधिकार मौजूद हैं और साथ ही कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस की स्थापना की बात करता है। अब हमारे पास घरेलू कर्मचारियों के लिए कानून तो बहुत हैं, लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों को इन कानूनों की जरूरत है उन तक इनकी जागरूकता पहुंच नहीं पाती, वो अपनी सहूलियत का काम इन कानूनों से निकलवा नहीं पाते। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं